कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि कोरोना संकट की वजह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी इस देश की वो पार्टी है जो इस देश के गरीब, मजदूर और हर वर्ग का ध्यान रखने के लिए काम करती है। आज महत्वपूर्ण जरूरी है कि देश में कोविड के ऊपर काम किया जाए। नेता प्रतिपक्ष का जब समय आएगा, जब सदन चलेगा, तब उसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी सत्ता सुख के लिए जनता की जानों की कीमत भी लगा सकती है, पर कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण रूप से इस देश के मजदूर गरीब के साथ खड़ी है। इस देश के इस कोविड की जो महामारी है इसके साथ खड़ी है, और जब जरूरत होगी उस समय निर्णय ले लिया जाएगा। पर अभी सबसे पहला कांग्रेस का कंसंट्रेशन है कि कैसे यहां से कोविड के खिलाफ जंग लड़ी जाए, इसमें जो लोग परेशान है उनके साथ मदद करी जाए, लोगों को राशन पहुंचाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का है। और जब भी होगा नेता प्रतिपक्ष का निर्णय, सही समय पर इसका निर्णय लिया जाएगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि दिग्विजय और कमलनाथ गुट में खेमेबाजी के चलते नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने, तो कमलनाथ गुट बाला बच्चन को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तुला है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।